सुकमा से खबर सामने आ रही है, जहां विस्फोटक के साथ दो नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस और कोबरा यूनिट ने ये संयुक्त कार्रवाई की है। बीते 5-6 सालों से नक्सली संगठन में ये लोग सक्रिय थे। वहीं चिंतलनार थाना क्षेत्र में इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो विस्फोटक के साथ दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और कोबरा यूनिट ने ये संयुक्त कार्रवाई की। शिवा यादव इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ विस्फोटक सामग्री भी इनके पास से बरामद हुई है, और क्या कुछ जानकारी है? जी, जानकारी के लिए बता दूं कि यह चिंतलनार थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एरिया डोमिनेशन के लिए कोबरा 201 वाहिनी और जिला बल की टीम निकली हुई थी, जहां पर दो नक्सल आरोपी को घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से कई विस्फोटक सामग्री भी मिली, जिसके उचित दस्तावेज पूछे जाने पर उन्होंने नहीं दिखा पाए, तो जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद पूछताछ में पाया गया कि वह नक्सली संगठन से जुड़े पिछले 5-6 सालों से काम कर रहे थे, और पुलिस की रैकी करना हो, स्पाइक्स लगाना हो या पेड़ काटना जैसे कई मामलों में वह संलिप्त थे। जी, यानी कि काफी लंबे समय से 5-6 साल से सक्रिय थे, और हालांकि अब इनकी गिरफ्तारी हो पाई है। बहुत शुक्रिया आपका शिवा जानकारी देने के लिए।